सलमान खान की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी टाइगर 3 को रिलीज कर दिया। रिलीज होते ही मूवी ने अपने जॉनर के हिसाब से बम पटाखे थिएटर में फोड़ने शुरू भी कर दिए। अबे दिवाली है तो वहीं कुछ रोज पहले जवान नाम की एक आंधी आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। लेकिन बात अगर बॉलीवुड के दबंग स्टार और बॉलीवुड में आजकल अपनी फिल्मों से जवान होकर लौटे शाहरुख खान तो मामला डामन डोल ही समझो। तो आज के इस वीडियो में हम टाइगर के कलेक्शन को जवान के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। सलमान भाई क्या कोई बोल सकता है क्या? इन दोनों ही फिल्मों में से किस पिक्चर ने फर्स्ट डे कलेक्शन में बाजी मारी? अभी मजा आएगा ना वीडियो। 300 करोड़ में बनी टाइगर 3 को 12 नवंबर को दिवाली के दिन रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने, जिन्होंने इससे पहले बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी बेल को डायरेक्ट किया है। तो वही फिल्म में हमको दिखाई दिए हैं सलमान के साथ कैटरीना कैफ और विलन की भूमिका निभाई है इमरान हाशमी ने। फिल्म के अन्य कलाकारों की बात करें तो है रिद्धि डोगरा, कुमित मिश्रा और रेवती। यानी कि फिल्म को इंडिया में 5500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और ओवरसीज की बात करें तो वहाँ पर 3400 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। टाइगर 3 को 300 करोड़ के बिग बजट में बनाया गया था और अपने बजट के हिसाब से पिक्चर अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। लेकिन इस पिक्चर का जिस फिल्म के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं उसने बॉलीवुड में तमाम रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। वाओ, फिल्म का नाम जवान और फिल्म को सितंबर के महीने में को 10,000 से भी अधिक स्क्रीन पर इसको रिलीज किया गया था। इस पिक्चर का भी बजट 300 करोड़ था और इस पिक्चर को डायरेक्ट किया था एटली कुमार ने, जिन्होंने इससे पहले बेरी, मरसर और बिगुल जैसे ताबड़तोड़ पिक्चर बनाई है। यानी कि जवान फिल्म में हमको दिखाई दिए थे शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, रिद्धि डोगरा, सुनील ग्रोवर और योगी बाबू जैसे अन्य कलाकार। अगर बात जवान के थिएटर दबदबा की करें तो इस पिक्चर ने पहले दिन से ही दबदबा बनाकर रखा था और यह फिल्म का दबदबा लगभग एक महीने तक चला था। ठीक एक महीने में बॉक्स ऑफिस और इंडियन सिनेमा में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम किए। अगर टाइगर 3 को देखें तो ये मूवी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है का सीक्वल है, जो कि स्पाई यूनिवर्स की 5वीं भेंट है। इस फिल्म को वॉर और पठान के इवेंट पर सेट किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इस फिल्म में ना चाहते हुए भी पठान और कबीर का कैमियो हमको देखने को मिलने ही वाला है। बात अगर फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की करें तो काफी धुआंधार नजर आ रहा है। बात तो सही है। वहीं दूसरी तरफ जवान मूवी थी जिसने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6500 करोड़ का भारी भरकम पैसा पीटा था। तो वहीं ओवरसीज की बात करें तो इस पिक्चर ने 126 करोड़ का बिजनेस किया था। अगर टाइगर 3 के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो है 45 करोड़ और ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 40 करोड़, करीब 285 करोड़ इस पिक्चर ने अपने पहले दिन कमाए हैं। भले ही यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में धीरे चल रही हो, लेकिन दूसरे दिन ये पिक्चर रफ्तार पकड़ती हुई हमको जरूर नजर आने वाली है। ये गड़बड़ है बाबा। तो ये था फर्स्ट डे टाइगर 3 का लेखा जोखा। अगर कुछ कहना बताना हो या फिर कुछ सुझाव हो, हमारा कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। आप अपने हिस्से की जानकारी वहाँ पर साझा कर सकते हैं। हम आपसे दोबारा मिलने वाले हैं। शुक्रिया।